सिक्स क्लास, आज आपकी एक्सरसाइज 9.2 का हम क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं, जिसमें वो कहते हैं कासिम हुसैन ओपन्ड हिज अकाउंट बुक, ही ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ टू पेज इन फ्रंट ऑफ हिम इज 93, फाइंड पेज इन फ्रंट ऑफ हिम। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें जी, तो सबसे पहले तो यहाँ से आपकी बात स्टार्ट हो रही है, कासिम हुसैन ओपन्ड हिज अकाउंट, कहते हैं कासिम हुसैन ने एक अकाउंट खोला, ही ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ टू पेज, तो पेज के उसने नाम नहीं दिए, तो आपने यहाँ पे लेट कर लेना, लेट द फर्स्ट पेज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। और द सम ऑफ टू पेज इन फ्रंट ऑफ हिम, तो टू पेज है अब आपका सेकंड पेज भी है, तो आपने कर लेना लेट द सेकंड पेज। तो इसी तरीके से आपका सेकंड पेज, फर्स्ट पेज आपका एक्स है, तो सेकंड पेज आपका एक्स प्लस वन बन जाएगा, ठीक है जी। अब थर्ड में आपने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, देखें जी वो क्या कह रहा है आपको, ही ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ टू पेज, सम है, सम का मतलब एडिशन, और टू पेज, टू पेज आपके पास दोनों मौजूद हैं, वो कहता है इनका सम। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पेज है एक्स, देन आपका सम है, देन आपका सेकंड पेज है एक्स प्लस वन, तो ये आपके दोनों पेज हो गए, फर्स्ट पेज प्लस सेकंड पेज, ये आपका सम हो गया। और कहता है इन फ्रंट ऑफ हिम इज 93, क्या है वो 93, तो ये आपकी कंडीशन के मुताबिक सवाल की क्वेश्चन बन गया। अब देखें जिसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस एक्स, दो एक्स हैं तो ये आपका 2x बन जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 93। अब देखें जी यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 93 है, दोनों कॉन्स्टेंट हैं, इसको मिला देते हैं हम, ये 2x इक्वल टू 93 इक्वल के दूसरी तरफ मौजूद है, ये प्लस का 1 इक्वल के दूसरी तरफ जाके आपका माइनस का 1 बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 93 में से आपका 1 गया, ये बन गया 92। तो अब आपके x के साथ जो वैल्यू लगी हुई है उसको हमने दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, तो डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 आपका 2 से कैंसिल, x इक्वल टू आपका, इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 वन द 2, 2 फोर द 8, 1 कैरी दे दिया, 2 सिक्स द 12, तो इस तरीके से आपका x का जवाब आ गया आपके पास 46। तो अब तो आपके फर्स्ट पेज का जवाब आ गया x का 46, तो अब आपने सेकेंड पेज का निकालना है x प्लस 1, तो इधर हम लिख देते हैं सेकेंड पेज इक्वल टू x प्लस 1, तो x की जगह पे हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है, x की वैल्यू आपके पास 46 है, 46 प्लस 1, तो आपका जवाब आ गया 47, ठीक है जी। एक आपका आंसर x का आ गया 46 एंड द सेकंड पेज का आंसर आपके 47। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें वो कहते हैं इमरान फरहत एंड अब्दुल रजाक इनहेंस 69 रन इन स्कोर ऑफ पाकिस्तान, तो सबसे पहले तो आपने इनके इमरान फरहत एंड अब्दुल रजाक इनहेंस द रन्स, तो सबसे पहले तो आपने इनके रन्स जो हैं उसको आपने लेट कर लेना है कि जी इनहेंस्ड 69 इन फ्रंट इन स्कोर ऑफ पाकिस्तान इफ़ द स्कोर ऑफ अब्दुल रजाक इज़ डबल देन द स्कोर ऑफ इमरान, तो सबसे पहले लेट द स्कोर ऑफ आपने इमरान फरहत कर लेना, सबसे पहले आपके इमरान का आपने एक्स फाइंड कर लिया, देन आपने लेट कर लिया लेट द स्कोर ऑफ अब्दुल रजाक, ठीक है जी, वो आपने वाई लेट कर लिया, तो एक्स इमरान का हो गया एंड वाई आपके इसका हो गया, तो इसके बाद वो कहता है इनहेंस्ड, इसके बढ़ाए हैं मतलब कि इसमें ऐड हुए हैं, तो 69, तो आपने अकॉर्डिंग टू दी टू दी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है जी, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक इनहेंस्ड हुए हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 69, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि उसने क्या इमरान फरहत एंड अब्दुल रजाक इनहेंस्ड 69 रन्स इन स्कोर ऑफ पाकिस्तान इफ़ द स्कोर ऑफ अब्दुल रजाक इज़ डबल देन द स्कोर ऑफ इमरान, अब जो अगली बात उसने कही है दूसरी कंडीशन दी है, वो कहता है अब्दुल रजाक के डबल स्कोर है इमरान से, तो अब आपने दूसरी कंडीशन इधर लगा देनी है कि जी अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में उसने आपको बता दिया है कि जी स्कोर ऑफ अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक का स्कोर है वो डबल है किससे,
इमरान से। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी एक्स इक्वल टू टू वाई, इसकी स्कोर आपका डबल है, एक्स इक्वल टू टू वाई। ठीक है जी, तो अब आपके एक्स के पास ये वैल्यू आ गई, इसमें पुट करते हैं हम इसकी वैल्यू को, एक्स की वैल्यू जो आपके पास एक्स इक्वल टू टू वाई आया, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, एक्स की जगह पे आपका टू वाई आ गया, प्लस में आपके पास वाई मौजूद है, इक्वल में आपके पास 69 है। ठीक है जी, तो टू वाई और प्लस वाई, टू वाई में प्लस वाई ऐड करो तो आपके ये बन जाते हैं 3y इक्वल टू 69। तो 3y इक्वल टू 69 आपका बना था। अब आपके पास 3 के साथ आपका y के साथ आपका 3 लगा हुआ है, तो आपने 3 को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर देना, 3 आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 बंदा 3, 3 टू द 6, 3 3 द 9, तो y का आपका आंसर आ गया 23। ठीक है जी, x का आपके पास यहाँ पे 2y वैल्यू बन गई थी, y का आपके पास यहाँ पे 23 बन गया। अब उसने क्वेश्चन में कंडीशन रखी हुई है कि जी फाइंड हाउ मैनी रन्स अब्दुल रजाक रिक्वायर टू कम्प्लीट हिज हाफ सेंचुरी। ये लास्ट में उसने लिखा है कि फाइंड द हाउ मैनी रन्स, कितने रन्स फाइंड करने हैं आपने, कितने रन्स अब्दुल रजाक को रिक्वायर हैं, चाहिए टू कम्प्लीट हिज हाफ सेंचुरी, अपनी हाफ सेंचुरी बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आई है, अब यहाँ पे y की वैल्यू में आपने सबसे पहले तो x की वैल्यू पुट करनी है कि जी y इक्वल टू 23 है, यहाँ पे आपने पुट करना है x इक्वल टू 2y में, x इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू 2, y की जगह पे आपने y की वैल्यू रख दी 23, तो इसको आप मल्टीप्लाइड कर दो, x इक्वल टू 23 टू द 46 बन जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर y का भी जवाब निकल आया, आपके x का भी जवाब निकल आया। तो अब आपका जो x था वो आपके रजाक का स्कोर था, तो रजाक की कितनी है हाफ सेंचुरी से रिक्वायर्ड होगी, तो 50 होती है आपकी हाफ सेंचुरी, तो 50 में से आपका x का रजाक का जो स्कोर है उसे हम माइनस कर देते हैं, तो आपका बन जाएगा 4, कि जी 4 रन्स उसे रिक्वायर हैं हाफ सेंचुरी अपनी कंप्लीट करने के लिए, ये आपका आंसर बन जाएगा।